हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11 की अकाउंटेंसी का चैप्टर 9, जिसका नाम है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल की प्रैक्टिकल क्वेश्चन का इलस्ट्रेशन नंबर 28। इलस्ट्रेशन नंबर 28 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखी है। इलस्ट्रेशन नंबर 28 में कुछ ट्रांजेक्शन गिवन है जिसकी जर्नल एंट्री करेंगे। बेसिक कंसेप्ट समझ लेते हैं। जब भी बिजनेस में एसेट एक्सपेंस ड्राइंग परचेज सेल्स रिटर्न लॉसेस इंक्रीज हो जाए उसे डेबिट कर दीजिए और ये डिक्रीज हो जाए ना क्रेडिट कर दीजिए। सेम इसी तरीके से लायबिलिटी इनकम रिवेन्यू कैपिटल सेल्स परचेज रिटर्न इनकम और गेन इंक्रीज हो जाए क्रेडिट कर दीजिए, डिक्रीज हो जाए डेबिट कर दीजिए। अब सबसे पहले ट्रांजेक्शन में गिवन है अप्रैल 1 की रिसीव एन ऑर्डर फॉर गुड्स ₹1,20,000 फ्रॉम गौरी शंकर एंड सन्स। तो यहाँ पे अप्रैल 1 के ट्रांजेक्शन जो है यहाँ पे हमें ऑर्डर मिला है। याद रहे कि ऑर्डर मिला है तो इस ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड नहीं, अभी इसकी जर्नल एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि सिर्फ ऑर्डर मिला है, यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं हुई है कि परचेज हो गई है या फिर सेल्स हो गई है। तो यहाँ पे पहली ट्रांजेक्शन की आपको कोई जर्नल एंट्री नहीं करनी है। सेम इसी तरीके से अब आपको नेक्स्ट ट्रांजेक्शन रीड करनी है, अगर उसमें भी सिर्फ ये मेंशन है कि ऑर्डर रिसीव हुआ है तो हम ट्रांजेक्शन उसकी भी नहीं करेंगे। बट सेकंड ट्रांजेक्शन यहाँ पे थोड़ी डिफरेंट है। यहाँ पे देखिएगा मेंशन कि अप्रैल 3 के ट्रांजेक्शन में रिसीव ऑर्डर फ्रॉम गुड्स फ्रॉम रणबीर एंड कंपनी ऑफ ₹5 लाख अलोंग विद द चेक फॉर ₹1,80,000 एज एडवांस। तो रिसीव ऑर्डर हुआ है हमें रणबीर एंड कंपनी से ₹5 लाख का और एडवांस में चेक रिसीव हो गया है ₹1,80,000 का। तो यहाँ पे जो ₹1,80,000 का चेक रिसीव हुआ है ना, इसकी जर्नल एंट्री करेंगे। अप्रैल 3 लिख के मेंशन कीजिएगा। एक तो चेक रिसीव हुआ है मतलब कि बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो गया होगा, तो यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट डेबिट मेंशन करना है। और 2 में आपको नाम मेंशन करना है अपने हमारे कस्टमर का जो कि रणबीर एंड कंपनी है। इसके बाद अमाउंट की कॉलम में 1,80,000 डेबिट साइड और 1,80,000 आपको क्रेडिट साइड मेंशन करना है। नरेशन लिखनी है एडवांस रिसीव अगेंस्ट एन ऑर्डर। सेम इसी तरीके से अब अप्रैल 5 की ट्रांजेक्शन करेंगे। प्लेस ऑर्डर ऑफ गुड्स विद कोहली एंड सन ऑफ ₹2,50,000 पेड देम ₹1 लाख बाय चेक इन एडवांस। यहाँ पे हमने ऑर्डर प्लेस किया है एक कंपनी को जिनका नाम बता रखा है कोहली एंड सन्स ₹2,50,000 का और ₹1 लाख हमने चेक में एडवांस दे दिया है। तो यहाँ पे कैसी एंट्री होगी, यहाँ पे देखिए हमारे ये कौन है क्रेडिटर्स हैं। अब यहाँ पे कोहली एंड सन्स हमारे क्रेडिटर हैं जिनकी एक तरीके से लायबिलिटी है, लायबिलिटी हमारी कम होगी क्योंकि हमने ₹1 लाख पे कर दिया। तो यहाँ पे अप्रैल 5 लिख के आप लिखेंगे कोहली एंड सन्स डेबिट 2 करके मेंशन करेंगे टू बैंक अकाउंट, क्योंकि चेक तो हमने दिया ना तो बैंक का बैलेंस भी हमारा कम हो गया होगा, एसेट कम होते हैं तो उन्हें क्रेडिट करते हैं। अमाउंट की कॉलम में 1 लाख डेबिट साइड 1 लाख की क्रेडिट साइड। नरेशन लिखिएगा पेड एडवांस अगेंस्ट एन ऑर्डर। इसके बाद अप्रैल 7 के ट्रांजेक्शन है कोहली एंड सन सप्लाइड गुड फॉर ₹2,50,000। तो यहाँ पे कोहली एंड सन ने क्या करा है कि हमें सप्लाई करें गुड्स ₹2,50,000 के, तो ये बिजनेस ने परचेज करी है। तो डेट मेंशन कीजिएगा अप्रैल 7, परचेज इंक्रीज हो गया तो परचेज अकाउंट डेबिट 2 करके मेंशन कीजिएगा टू कोहली एंड सन, कितने अमाउंट का ₹2,50,000 का हमने ऑर्डर दिया था जो कि उन्होंने हमें गुड्स का दे दिया। तो डेबिट साइड भी ₹2,50,000 लिखेंगे, क्रेडिट साइड भी ₹2,50,000 लिखेंगे और यहाँ पे हम मेंशन करेंगे नरेशन गुड्स परचेज। अब यहाँ पे कंसेप्ट अभी समझना होगा आपको। देखिए यहाँ पे हमने 2,50,000 के गुड्स का ऑर्डर प्लेस किया था जिसमें से 1 लाख हमने एडवांस में दे दिया। अब अप्रैल 7 के ट्रांजेक्शन में उन्होंने हमें गुड्स पहुंचा दिया, परचेज कर लिया हमने 2,50,000 की। अब हमें कितना रुपए और देने हैं उसको, 1,50,000 रुपए और देने हैं क्योंकि 2.5 लाख का गुड था ना, 1 लाख रुपए एडवांस में दे दिया तो 1,50,000 अभी बचे हैं। इसका आगे यूज है मैं बताऊंगा कहाँ पे आपको। अब हम करेंगे अप्रैल 10 की ट्रांजेक्शन। पेड अ चेक फॉर 60% ऑफ द बैलेंस अमाउंट ड्यू टू कोहली एंड सन ऑन अकाउंट। तो देखिए यहाँ पे अब वही बात आगे जो मैंने अभी समझाई थी कि 1,50,000 रुपीज हमने पे करने हैं अभी किसको, कोहली एंड सन्स को, जिसमें से हमने 60% का चेक और पे कर दिया। तो अप्रैल 10 लिख के आप मैंशन करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले कोहली एंड सन्स को डेबिट करेंगे और टू बैंक अकाउंट आप मैंशन करेंगे। अब 1,50,000 का 60% कैलकुलेट करेंगे तो 90,000 का हमने चेक दिया है, डेबिट साइड 90,000 लिखेंगे, क्रेडिट साइड भी आप 90,000 लिखेंगे। नरेशन लिखेंगे 60% ऑफ रुपीज 1,50,000 पेड ऑन अकाउंट। नेक्स्ट है अप्रैल 15 के ट्रांजेक्शन। गुड्स ऑफ ₹20,000 एंड फर्नीचर ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ ₹10,000 डिस्ट्रॉय बाय फायर। अब क्या हुआ कि आग लगी गुड्स में और फर्नीचर में, तो 20,000 के गुड्स का नुकसान हो गया और 10,000 के फर्नीचर का नुकसान हो गया। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा लॉस हो गया है, लॉस हमारा इंक्रीज हो गया है। तो जब भी लॉस इंक्रीज होता है तो हमें क्या करना होता है, लॉस इंक्रीज होता है तो हमें उसको डेबिट करना होता है। तो यहाँ पे लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट लिखेगा, फिर टू परचेज अकाउंट क्योंकि गुड्स हमारे क्या हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए, और सेम इसी तरीके से टू फर्नीचर अकाउंट। टोटल अमाउंट हमारा 30,000 का नुकसान हो गया, परचेज जिसमें थी 20,000 की और फर्नीचर था 10,000 का। रेशन लिखिएगा गुड्स एंड फर्नीचर डिस्ट्रॉय बाय फायर। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है अप्रैल 20 की। गुड्स कॉस्टिंग ₹50,000 वर डैमेज इन ट्रांजिट, अ क्लेम वाज मेड ऑन रेलवे अथॉरिटी फॉर द सेम। तो 50,000 का गुड्स आते समय, मतलब कि 50,000 के गुड्स को लाते समय वो डैमेज हो गया, इसका क्लेम
किया गया रेलवे अथॉरिटी से, तो क्या क्योंकि रेलवे अथॉरिटी के थ्रू, रेलवे के थ्रू ही क्या आ रहा था, गुड्स आ रहा था। तो यहाँ पे अब आपको जो जनरल एंट्री करनी है वो होगी, क्योंकि हमने क्लेम करा है, तो रेलवे अथॉरिटी, रेलवे क्लेम अकाउंट डेबिट टू करके आप मेंशन करेंगे टू परचेज अकाउंट, क्योंकि परचेज जो है हमारी कम हो गई है, क्योंकि गुड्स का तो नुकसान हो गया ना, तो परचेज कम हो गई है और हमने क्लेम करा है, तो रेलवे क्लेम अकाउंट को डेबिट करना है। अमाउंट के कॉलम में 50,000 डेबिट साइड, 50,000 क्रेडिट साइड आएगा। आप नरेशन लिखेंगे क्लेम मेड फॉर गुड्स डैमेज इन ट्रांजिट, ट्रांजेक्शन अप्रैल 22 की, रिसीव फ्रॉम सेल्समैन रुपीज 60,000 फ्रॉम गुड्स सोल्ड बाय हिम आफ्टर डिडक्टिंग हिज ट्रैवलिंग एक्सपेंस रुपीज 4,000। तो कैश रिसीव हुआ है 60,000 रुपीज का आफ्टर डिडक्टिंग क्रेडिट ट्रैवलिंग एक्सपेंस 4,000 रुपीज यहाँ पे मेंशन है। आपको इसके एंट्री क्या करनी है, कैश तो आया बिजनेस के पास, तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो यहाँ पे 60,000 का कैश रिसीव हुआ है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस था 4,000 रुपीज का, टोटल सेल जो मानी जाएगी ना वो 64,000 रुपीज की मानी जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, इसकी जो जनरल एंट्री होगी, देखिए बिजनेस में सेल तो हुई है, तो यहाँ पे सबसे पहले डेटर हमारी इंक्रीज हो गए, तो उसका नाम आएगा विशेष डेबिट टू सेल्स अकाउंट मेंशन कीजिएगा, और उसके बाद टू करके मेंशन कीजिएगा टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट इसलिए मेंशन किया क्योंकि 1,000 रुपीज जो हमें हमने लेने हैं वो तो कस्टमर से ही लेने हैं, तो इसलिए यहाँ पे टू कैश अकाउंट मेंशन किया। टोटल जो सेल्स मानी जाएगी वो 46,000, टोटल जो अमाउंट लेना होगा विशेष से 46,000 का होगा, टोटल सेल 45,000 की है, 1,000 रुपीज ही कार्टेज के हैं, 1,000 रुपीज। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अमाउंट को आपको समझना है, मैंने वही बताया कि 40,000 की सेल हुई है बिजनेस में, 25% के प्रॉफिट पे हुई है, तो 40,000 का 25% 10,000 होता है, टोटल अमाउंट 50,000 का हो जाता है। अब उस पर 10% ट्रेड डिस्काउंट दे दिया, तो 50,000 का 10% 5% होता है, जो कि 45,000 की सेल्स मानी जाएगी, जो कि हमने 45,000 सेल्स में लिख दिया है। अब 1,000 रुपीज कार्टेज गए हैं, तो यहाँ पे टू कैश अकाउंट में 1,000 रुपीज लिख दिया, टोटल विशेष 46,000 रुपीज लेने हैं। अब करेंगे लास्ट ट्रांजेक्शन, रिसीव अ चेक ऑफ रुपीज 40,000 फ्रॉम रेलवे अथॉरिटी इन फुल सेटलमेंट ऑफ क्लेम फॉर डैमेज। तो यहाँ पे देखिए 40,000 रुपीज का अमाउंट रिसीव हुआ है रेलवे अथॉरिटी से, क्योंकि गुड्स जो डैमेज हुए थे 50,000 के थे, 40,000 का क्लेम हमें रिसीव हुआ है। अब 40,000 का क्लेम रिसीव हुआ है, तो अप्रैल 28 लिख के पहले लिखिएगा बैंक अकाउंट डेबिट, तो बैंक अकाउंट डेबिट इसलिए क्योंकि 40,000 रुपीज रिसीव हुआ है, बट गुड्स थे 50,000 के, तो यहाँ पे लॉस हो गया, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू करके मेंशन करेंगे टू रेलवे क्लेम अकाउंट। तो 40,000 रुपीज के अमाउंट रिसीव हुआ, तो बैंक के सामने मेंशन कीजिए 10,000 का लॉस हुआ है, टोटल अमाउंट 50,000 का आना चाहिए था, पर आया 40,000 का ही है, तो 10,000 क्या हो गया, गुड्स को 10,000 हमें लॉस हो गया। तो इस तरीके से हमारी सारी जनरल एंट्री हो गई है। अब टोटल कर देंगे हम, तो ये डेबिट साइड टोटल आएगा 8,60,000 का, क्रेडिट साइड भी टोटल आएगा 8,60,000 का। तो आज के लिए इतना ही, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज टू सब्सक्राइब दिस चैनल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।